टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में पानी की काफ़ी समस्या बढ़ गई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी नहीं आ रहा है। मुंब्रा कौसा में पानी की समस्या को लेकर आमदार जितेंद्र आव्हाड ने अग्निशामन दल पर पानी पुरोठा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और 5 MLD पानी बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही जो पानी की पाइपलाइन है उसे भी बढ़ाने की बात की गई है ताकि पानी मुंब्रा कौसा में और मिल सके। चांद नगर में जो पानी की टांकी बंद पड़ी है उसे भी इस्तेमाल में लाने की बात की गई है और जल्द ही ये इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है नगर सेवक शानू पठान और पानी पुरोठा विभाग के चालू के साहब ने। पानी के लिए मिनिस्टर साहब ने सभी अधिकारियों की मीटिंग लगाई थी सभी नगर सब के साथ। उसमें ये डिसीजन हुआ है कि जो पानी की किल्लत हो रही है उसकी वजह से जो टाँकियाँ रेडी हो गई है, लॉकडाउन की वजह से कई टाँकियों का काम रुक गया था, लेकिन 20 तारीख को पहली टाँकी चांद नगर की टाँकी को MM मिला की टाँकी को शुरू किया जाएगा और उसके बाद दिसंबर तक लगभग सारी 700 टाँकों जो तैयार हो गई है उसको पंप के साथ शुरू कर दिया जाएगा ताकि मुंब्रा कौसा के अंदर पानी डिपार्टमेंट की समस्या कम हो जाए। और साथ ही में माननीय हमारे जयंत पाटिल साहब के साथ 15 MLD बनाने की, कलवा मुंब्रा के लिए 15 MLD पानी बढ़ाया जाए ऐसी मांगनी माननीय मिनिस्टर साहब करेंगे और उसको मुंब्रा कलवा का पानी बढ़ा के लेंगे, ऐसी आज उन्होंने यहाँ पे माहिती दी। अभी मुंब्रा के पानी पुरवठा की समस्या के बारे में और मुंब्रा में वो समस्या का निराकरण करने के लिए जो प्रोजेक्ट लिया है रिमॉडलिंग का और सम पॉइंट पंप हाउस का, इसका जायज़ा लिया काम का, तो उन्होंने पानी पुरवठा विभाग के हम सभी अधिकारी को काम जल्द से जल्द पूरा करने की करने के बारे में सूचना दी है। और MM वाली का जो सम्प है वो अगले 8 दिन के अंदर वो चालू होना चाहिए, इसलिए जो भी कुछ काम बैलेंस है वो काम करने के बारे में सूचना दी है। दूसरा है कि सारे नगर सेवक लोगों के साथ बैठ के उनकी समस्या जान के रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट में उनका सूचना का उसमें अंतर्भाव करो, उसमें उनकी जो सूचना है वो इंक्लूड करो, उनकी सूचना के मद्देनज़र जो भी कुछ उसमें सूचनाएँ हैं उसके ऊपर अमल करो, ये सूचना दी है। और बाकी सम पॉइंट पंप हाउस का उन्होंने कंप्लीशन का टारगेट लिया है तो दिसंबर एंड तक और 2 सम पॉइंट पंप हाउस चालू करने की भी निर्देश दिए हैं और मार्च एंड तक और बाकी जो बचते हैं दो पंप हाउस चालू करने के बारे में बताया है। और 2 पंप हाउस चालू होने वाले हैं उसकी भी क्या समस्या है, उसका काम अभी तक शुरू हुआ नहीं है, उसका भी जायज़ा लिया, वो भी जल्द चालू हो जाएंगे उनका जो सिविल वर्क है वो। दूसरा है कि मुंब्रा शहर को जो पानी है अभी उसका उसमें बढ़ोतरी करने के लिए शासन इरीगेशन डिपार्टमेंट से बढ़ोतरी करने के लिए उन्होंने एक लेटर इरीगेशन डिपार्टमेंट के नाम से ड्राफ्ट करने के लिए बोला है, वो कल ही लेटर उनको देने के बाद मंत्री महोदय मुंब्रा को पानी बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। कितना पानी बढ़ाने की मांग की गई? कम से कम 15 MLD पानी बढ़ाने की बनाने के बारे में हम मांग कर रहे हैं अभी, उसके बावजूद अभी क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। तो जो पानी का अभी समस्या मुंब्रा में चल रहा है इसको कब तक मतलब ये हल होगा? ऐसे चांद नगर इलाका है, ऐसे और भी कई इलाके हैं, पानी आता है कभी पानी आता ही नहीं है, यही हाल चल रहा है। मुंब्रा में जो भी कुछ पानी की समस्या है, मुंब्रा उपनगर और बाकी के उपनगर की तुलना करें तो पहले से ये पानी की प्रेशर की समस्या क्यों रही है, इसका कारण है हर घर में पंप। ओके, तो आपको हर टाइम अलग अलग नज़रिया दिखाता है, जन जागृति करके ये सब हटाना मुमकिन नहीं है, पानी बढ़ना चाहिए नंबर 1। और उसके बाद जो सम पॉइंट पंप हाउस हम ही प्रेशर से पानी देंगे तो फिर लोगों को पंप लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपने पंप हटाए तो भी अपने घर में प्रेशर से पानी आएगा, लेकिन वही एक मात्रा नहीं है, पानी बढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि पानी कम है।